हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता गुप्ता। वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल इन शॉर्ट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन के बारे में, राइट? आज हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। स्किन क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, स्किन के फंक्शंस क्या हैं, ठीक? और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन में या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। 5 में अगर देता है तो डायग्राम देता है, और स्किन 10 में देता है तो आपको पूरा डिटेल में बताना रहता है कि स्किन क्या है। स्किन भी एक ब्रॉड चैप्टर है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक स्किन के बारे में ही पहले बताना, स्किन की ढेर सारी लेयर्स हैं उनके बारे में बताना, सेल्स हैं और अपेंडेजेस हैं। तो हम इन्हें शॉर्ट में पढ़ेंगे कि स्किन पहले क्या होता है, राइट? अपेंडेजेस बाद में देखेंगे उसको, वो स्किन के अगर आंसर में आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन स्किन को टोटली आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि व्हाट इज स्किन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्किन क्या है। और जैसे कि मैंने बताया है यहाँ पर लिख के, तो मैं बता देती हूँ लास्ट में या बीच बीच में मैं नोट्स डाल देती हूँ ताकि आप उसको पॉज करके उसको देख सकें और अपना नोट्स खुद का बना सकें, और वो आपको आसानी रहेगी देखने और लिखने में, राइट? तो स्किन क्या है? स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबको पता है, सबके पास स्किन है, सबकी बॉडी चमड़ी की है, राइट? तो स्किन क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे ह्यूमन बॉडी का, राइट? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्किन। ये वन लाइनर क्वेश्चन या वन नंबर मल्टीपल चॉइस में आता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन, राइट? लार्जेस्ट कौन सा है? स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? हमारा स्किन है, जो कि हमारा टोटल बॉडी में से जो वेट इंक्लूड करता है वो 15% ऑफ बॉडी वेट जो होता है वो हमारा स्किन का आता है। मतलब अगर हम लोग 45 kg के हैं तो उसका 15% जो भी हो वो हमारा क्या होगा? स्किन कवर किया हुआ है, मतलब उतना वेट स्किन का है हमारा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि स्किन क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे ह्यूमन बॉडी का, और ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है हमारा स्किन, जो कि हमारे किसी भी वेट का 15% कैरी करता है, राइट? इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबको पता है स्किन हमारा क्या करता है, हमें बाहर के जर्म्स, बाहर के बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है, ठीक है? धूल मिट्टी से बचाता है। स्किन नहीं रहेगा तो क्या, अंदर की जो हमारे ऑर्गन्स है वो ऐसे ही तब तो इफेक्ट होने लगेंगे, राइट? तो स्किन क्या करता है? हमारा वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि हमें बचाता है एक्सटर्नल फिजिकल बायोलॉजिकल और केमिकल असाइलेंट से। मतलब हमलावार असाइलेंट से, मतलब जो फिजिकली अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं लाइक हीट वगैरह हो गया या कहीं कट गया, तो क्या डायरेक्ट हमारा बॉडी अंदर पार्ट तो नहीं ना कट रहा है, पहले हमारा स्किन कटता है, तो एटलीस्ट वो बचा तो रहा है हमारे अंदर की बॉडियों को। बायोलॉजिकली हमें सेव करता है और केमिकली हमें सेव करता है, इन सारी चीज़ों से लड़ के हमारा स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल असाइलेंट्स, राइट? और क्या करता है ये कि वाटर लॉस करता है, जो हमें स्वेट होता है, जो हमें पसीना होता है, वो वाटर लॉस करके हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको वो क्या करता है? मेंटेन करता है, राइट? जो स्वेट होता है, हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स हैं, उसी में से स्वेट्स निकलते हैं, वाटर का लॉस होता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हीमोरेगुलेशन में हेल्प करता है, राइट? अब स्किन के सरफेस एरिया और थिकनेस की बात करें, ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछता है, सरफेस एरिया ऑफ स्किन क्या होता है? तो याद रखिएगा 2 meter square, याद रखिएगा ये हमेशा, ठीक? ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है आपसे, अगर मेडिकल का आप देने गए वहाँ पे भी पूछ सकता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्किन, तो 2 meter square। थिकनेस क्या होती है स्किन की? थिकनेस, मोटाई क्या होती है? तो ये होती है 1 to 2 mm,
राइट 1 to 2 mm होता है। थिकनेस क्या होती है 1 to 2 mm, और सरफेस एरिया क्या होता है 2 meter square। इसको कंफ्यूज में मत डालिएगा, क्योंकि ये हमेशा ऐसे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है याद हो गया, लेकिन एग्जाम में आता है ना तो दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट, और यूनिट का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं सेंटीमीटर लिख दिया आपने फटाफट देखा और लगा दिया, नहीं, 2 meter square और थिकनेस क्या है 1 to 2 mm। राइट, तो स्किन क्या हो गया, हमने बेसिक जान लिया। स्किन क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, हमारा जो बॉडी वेट है उसका 15% वो कैरी करता है, इसका प्रोटेक्शन काम क्या है, हमें प्रोटेक्ट करता है फिजिकल बायोलॉजिकल एंड केमिकल असाइलेंट से। इसका सरफेस एरिया क्या है 2 meter square और थिकनेस क्या है 1 to 2 mm। राइट, इतनी बार बोला मैंने, अगर आपने एक बार भी मेरे साथ रिपीट किया होगा तो आई गारंटीड कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें अभी तक में बैठ चुकी होंगी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्किन की। टाइप्स ऑफ स्किन क्या है, टाइप्स ऑफ स्किन, स्किन दो तरीके के होते हैं, ठीक, स्किन दो तरीके के होते हैं, या तो थिक, मोटी स्किन कहते हैं ना, तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी है, और या तो थिन, पतली स्किन। दो तरीके की स्किन होते हैं, थिक स्किन और थिन स्किन। राइट, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की अगर बात करें हम, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन क्या होता है, मतलब कैसे स्ट्रक्चरली स्किन हमारा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो इसका कैसा आकरण है। राइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की अगर बात करें तो ये मोस्टली हमारा 3 layer से होके बना है, 3 layer से, वो हमें दिखता नहीं है। हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं अगर स्किन की, हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी में उसका वर्क क्या है, एनाटॉमी उसकी संरचना क्या है, तो एनाटॉमी में अगर देखें तो स्किन जो है वो ऊपर से नहीं दिखता, लेकिन स्किन की जो स्ट्रक्चर है वो 3 layer में बांटी गई है। कौन कौन सी 3 layer, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्या है, एपिडर्मिस, फर्स्ट क्या है एपिडर्मिस, सेकंड क्या है डर्मिस, थर्ड क्या है एंडोडर्मिस, या इसी को कहते हैं हम लोग हाइपोडर्मिस। राइट, और एक पॉइंट मैं बता दूं आपको कि कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें देख के लगता है कि हाँ बच्चे में मतलब अपना ही है, वो एक कॉमन सेंस होता है यार, कुछ चीज़ें आपको खुद की नॉलेज के लिए भी रखनी चाहिए। राइट, आप एग्ज़ाम को किस तरीके से पास कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम किस तरीके से दे रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वही अगर 10 बच्चों में अगर आपको बैठा दिया जाए ना, 10 बच्चों में, और आपका जो इंटेलिजेंसी देखा जाए और जो खुद से एग्ज़ाम दिया उसकी इंटेलिजेंसी देखा जाए या वो पढ़ के गया उसकी इंटेलिजेंसी देखा जाए ना, तब आपको शर्मिंदगी फील होगी कि हाँ मैं 90% ला के भी भले गलत तरीके से लाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, और वो 70% ला के भी बहुत कुछ कर जाएगा। राइट, तो कुछ मैंने पैरामेडिकल कोर्स 2 साल का किया है ना, तो मुझे एटलीस्ट 10% तो नॉलेज हो जाए मेडिकल की, एटलीस्ट 10%, ठीक। तो आप नॉलेज के हिसाब से भी चीज़ों को पढ़ा करिए। एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अलग मैटर है, तो वो आपको एग्ज़ाम टाइम में ही पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा है, आप कैसे हैं। राइट, अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो अपने नॉलेज के लिए पढ़ा करिए, कि अगर 10 लोग पूछें आपसे ना, तो आप थोड़ी तो जवाब दे सकें, ना पता होने से ज़्यादा अच्छा है कुछ पता होना, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यार, ना पता होने से कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है कुछ पता होना। राइट, तो खैर ये सब फालतू बातें हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं जिनके ऊपर कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके अंदर तो समझदारी है नहीं, हमें ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ। तो बात करते हैं उसकी स्किन की, तो स्किन के कितने लेयर हैं, 3 layer हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। अब इसके अंदर सेल्स हैं, इसके अंदर लेयर और भी हैं जो डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को। राइट, तो अगर हम पहले एपिडर्मिस की अगर बात करें, एपिडर्मिस की, अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, हमारे स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है। राइट,
मतलब सबसे ऊपरी जो लेयर है हमारे स्किन का वो कौन है, एपीडर्मिस है, जो कि क्या करता है, जो भी एनवर अब सबसे ऊपर है तो यही ना एनवायरमेंट को फेस कर रहा है, तो एनवायरमेंट से जो भी इन्फेक्शन होते हैं या जो भी असाइलेंट्स वहाँ से आते हैं उनसे वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक, हमारे इनर बॉडी को या हमारे इनर लेयर्स को। तो एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि क्या करता है, किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी असाइलेंट से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और इसी से हमारा वाटर रेगुलेट होता है, वाटर रेगुलेट होता है, ठीक है, जो कि स्वेट निकलता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये किन किन सारी चीज़ों से बना है, देखिए मैं नोट्स बाद में डाल दूंगी, वो सिस्टम से पूरा लिखा हुआ है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, आप यहाँ पे बस समझिए, लास्ट में नोट्स डला रहेगा, आप पाउज करके अपना नोट बना सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। तो ये किन किन चीज़ों से बना रहता है, तो इट इज़ कंपोज ऑफ मल्टीपल ऑफ फ्लैटेंड सेल, फ्लैटेंड मतलब चिपटे हुए सेल से बना रहता है, जो कि कॉल्यूमिनल, आप जब सेल्स के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें भी कॉल्यूमिनल टिश्यू वगैरह होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ये मल्टीपल ऑफ फ्लैटेंड सेल से बना रहता है जिसके परपेंडिकुलरली कॉल्यूमिनल सेल पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है। अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा लेयर है स्किन का जिसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है, तो वो है एपिडर्मिस। कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है, तो वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये नरिशमेंट जो अपनी पाता है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के O2 से, राइट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे जो O2 हमें मिल रहा है उसी को वो डिफ्यूज करके अपने नरिशमेंट को वो पूरा करता है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब एपिडर्मिस में ही बात करें तो एपिडर्मिस के बहुत से लेयर्स हैं और सेल हैं। ये देखिए एपिडर्मिस में ही टाइप्स ऑफ सेल कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, तो सबसे पहला है लैंगरहैंस सेल। देखिए अब जो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि एपिडर्मिस में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं या कितने लेयर होते हैं एपिडर्मिस के, तो सेल जो हैं वो चार तरीके के सेल पाए जाते हैं, ठीक, उनके जो फंक्शन है वो अलग अलग है, मतलब एपिडर्मिस जो लेयर है उसी में चारों सेल पाए जाते हैं और इनके जो फंक्शंस हैं, तो लैंगरहैंस सेल होता है, इसका काम क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स करता है, राइट, ये इम्यून रेस्पॉन्स देता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केराटिनोसाइट सेल का काम क्या होता है कि ये एक प्रोटीन बनाता है फिब्रस प्रोटीन जिसका नाम है केराटिन, इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया केराटिनोसाइट सेल। तो ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है केराटिन जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है हमारे स्किन को, थर्ड सेल की बात करें तो थर्ड सेल है मिलानोसाइट सेल क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा कि ये एक पिगमेंट रिलीज करता है जिसका नाम है मिलानिन, जो कि किस में हेल्प करता है, हमारे स्किन के कलर में हेल्प करता है। मेलानिन जिसमें ज़्यादा होता है उसकी स्किन डार्क होती है, जिसमें कम होता है उसकी स्किन फेयर होती है, राइट। मेलानिन का और एक फंक्शन है जो कि हमारा यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, तो मेलानोसाइट सेल।
लास्ट इसमें एक सेल पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के ये सेल हैं, राइट। लास्ट कौन से है सेल? मार्कल सेल। मार्कल सेल, मार्कल सेल का काम क्या करता है? सेंसेशन ऑफ टच, सेंसेशन ऑफ टच का काम करता है। मतलब ये हमें सेंसेशन करता है, अगर कोई चीज़ छुआ हमने, कोई चीज़ छुआ या किसी ने हमें टच किया तो हमें पता चल जाए, वो काम कौन करता है? मार्कल सेल, राइट। तो एपिडर्मिस के कितने तरीके के सेल हैं? चार हैं। लैंगरहैंस सेल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करता है, केराटिनोसाइट सेल जो कि केराटिन नाम का एक प्रोटीन है उसे सिक्रीट करता है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, मेलानोसाइट सेल जो कि मेलानिन एक पिगमेंट है उसे सिंथेसिस करता है जो कि स्किन कलर को डिफाइन करता है और हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करता है, और लास्ट है मार्कल सेल जो कि सेंसेशन ऑफ टच में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस लेयर, लेयर्स हैं टाइप ऑफ एपिडर्मल लेयर, राइट। तो एपिडर्मिस के कौन कौन से लेयर हैं? देखिए हम जिस नंबर पे लिखेंगे ना वो उसी नंबर पे, आपको ऊपर नीचे नहीं लिखना उस चीज़ को, वो उसी सीक्वेंस में आते हैं, राइट। तो जिसमें पहला है स्ट्रैटम कॉर्नियम, पहला है स्ट्रैटम कॉर्नियम, दूसरा है स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, तीसरा है स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, चौथा है, इसके पांच लेयर हैं, राइट, चौथा है स्ट्रैटम स्पाइनोसम, एंड लास्ट है स्ट्रैटम बेसल। ठीक, तो ये पांचों लेयर है हमारे एपिडर्मिस के, स्ट्रैटम कॉर्नियम, स्ट्रैटम ल्यूसिडियम, स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम, स्ट्रैटम बेसल। ठीक, तो ये पांचों लेयर इसी सीक्वेंस में पाए जाते हैं, मतलब पहले कॉर्नियम, नेक्स्ट ल्यूसिडियम, थर्ड ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम एंड देन बेसल। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि राइट द नेम ऑफ थर्ड एपिडर्मल लेयर, तो आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम ही है, मतलब कोई भी नाम नहीं लिख देना है, हमें जो है उसी को लिख। अगर कॉर्नियम की बात करें तो ये पहला लेयर है हमारे एपिडर्मिस की, ये पहला लेयर है, ऐसे ही दिख रहा है, फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक, ये किससे बना है? तो 8 to 10 layer ऑफ सेल से, मतलब सेल्स की जो अंदर की, इसकी सेल्स की जो लेयर है वो 8 to 10 layer ऑफ सेल्स हैं जो कि कैसी हैं? फ्लैट और स्केल लाइक, फ्लैट और स्केल लाइक है। ठीक, और सबसे मोस्टेस्ट, मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, वन नंबर क्वेश्चन है कि थिकेस्ट स्ट्रैटम कॉर्नियम का स्ट्रक्चर कहाँ देखा जाता है? तो वो है पाल्म और सोल में, मतलब सबसे थिकेस्ट अगर स्किन है हमारी या सबसे थिकेस्ट स्ट्रैटम कॉर्नियम की जो लेयर है वो कहाँ है? हमारे पाल्म, मतलब पंजे और सोल, पैर के नीचे वाले तलवे में, राइट, पाल्म और सोल में। और सबसे थिनेस्ट कहाँ है? तो हमारा लिप्स और आईलेट्स में। सबसे पतली लेयर अगर स्किन की कहीं होती है तो लिप्स और आईलेट में होती है, और सबसे मोटी हमारी पाल्म और सोल में होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रैटम ल्यूसिडियम की, तो ये है सेकंड लेयर ऑफ द एपिडर्मिस लेयर जो कि 2 to 4 layer ऑफ सेल से बना है, जो कि 2 to 4 layer। देखिए ये सारे आंसर है ना, आप खुद से भी बना सकते हैं, अगर आप हिंदी में यहीं पे अगर समझ गए ना तो ये सारे आंसर आप खुद से बना सकते हैं। हाँ, बस लेयर ऑफ सेल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो 2 to 4 layer ऑफ सेल से बना है, जो कि कैसे होते हैं? तो रेक्टेंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। इन सभी का एक लाइन का जो आंसर है वो तो यही है, मतलब एक
पहला पॉइंट जो है वो यही है कि फर्स्ट लेयर ऑफ एपिडर्मस लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ एपिडर्मस, थर्ड लेयर, है ना, एंड सो ऑन। फिर सेकेंड है कि लेयर ऑफ कितने सेल्स हैं, कितनी लेयर हैं सेल्स की। तो पहले वाले में 8 to 10 लेयर होता है जो कि फ्लैट और स्केल होता है, राइट। सेकेंड लुसीडियम की जो लेयर होती है वो 2 to 4 लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि रेक्टेंगुलर होती है, ठीक। और ये एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इलिडीन। इलिडीन एक प्रोटीन है जो कि सिक्रीट करता है कौन, लुसीडियम, जो कि हमारा क्या करता है, वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ प्रोटीन है। तो वन लाइनर क्वेश्चन की वाटर प्रूफ प्रोटीन कौन है, इलिडीन, जो कि किससे सिक्रीट होता है, तो स्ट्रैटम लुसीडियम, स्ट्रैटम लुसीडियम से। स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम की अगर बात करें हम लोग तो ये क्या है, ये 6 to 7 लेयर, 6 to 7 लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, राइट। जो कि एक इसके जो साइटोप्लाज्म है, सेल का साइटोप्लाज्म तो होता ही है, तो इसके जो साइटोप्लाज्म में एक केराटोहाइलाइन ग्रैन्यूल्स पाया जाता है जो कि क्या करता है, आरएनए हुआ, CA++, कैल्शियम हुआ, एसिडिक पॉलीसेक्राइड हुआ, जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पाइनोसम की, तो ये 6 to 7 लेयर ऑफ सेल है, ये भी 6 to 7 लेयर ऑफ सेल है जो कि कैसे हैं, पॉलीगोनल है, पॉलीगोनल है, राइट। लास्ट अगर हम बात करें तो स्ट्रेटम बेसल आता है जो कि सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मल लेयर होता है, जिसे हम लोग स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी, कि क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। मतलब इसमें जो सेल की लेयर है वो क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ लेयर के बारे में पढ़ लिया कि एपिडर्मिस में कितने सेल होते हैं, तो 4 सेल होते हैं, और एपिडर्मिस में कितनी लेयर होती हैं, तो 5 लेयर होती हैं। कौन कौन से स्ट्रैटम, कॉर्नियम, लुसीडियम, ग्रैनुलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसल। किसको हम लोग जर्मिनेटम भी कहते हैं, तो बेसल लेयर को भी हम लोग जर्मिनेटम कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कौन से दो लेयर को मिला के कहते हैं, तो लास्ट के जो दो लेयर है, स्पाइनोसम और बेसल, इन दोनों को मिला के जर्मिनेटम कहते हैं, राइट। इसके अंदर की भी चीज़ें पढ़ ली कि कौन सा प्रोटीन किससे सिक्रीट होता है और किसका क्या फंक्शन होता है, कौन कौन किस किस सेल से, किस टाइप के सेल से बने हुए हैं। ये हमारा था एपिडर्मल लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डर्मिस लेयर। हमारा आता है डर्मिस, वो एपिडर्मिस था, ये डर्मिस, डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, स्किन का ये सेकेंड लेयर ऑफ स्किन है डर्मिस लेयर, जो कि क्या, ये बिलो द एपिडर्मिस पाया जाता है, बिलो द एपिडर्मिस कह सकते हैं, या सेकेंड लेयर ऑफ स्किन कह सकते हैं, राइट। सेकेंड लेयर ऑफ स्किन या बिलो द एपिडर्मिस, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका, तो इसमें क्या होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स होते हैं। एपिडर्मिस में ये नहीं था, वो कहाँ से नरिशमेंट पा रहा था, एनवायरमेंटल O2 से। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, ये सारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो हमारे किस लेयर से होते हैं, तो डर्मिस लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स, ठीक। डर्मिस लेयर जो हमारा होता है वो मोस्टली कोलेजन फाइबर से बना होता है, ठीक। डर्मिस लेयर जो होता है वो कोलेजन फाइबर से बना होता है, जो कि रेक्टेंगुलर होता है या रेक्टेंगुलर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो डर्मिस लेयर हमारा कोलेजन फाइबर से बना होता है। अब इसके भी दो लेयर है, डर्मिस लेयर के भी दो लेयर हैं, कौन कौन से, तो रेटिकुलर और पैपिलरी। तो डर्मिस लेयर के भी दो लेयर है, रेटिकुलर लेयर और पैपिलरी लेयर। पैपिलरी लेयर की अगर हम बात करें तो ये लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो कि क्या, हमारा जो पैपिलरी लेयर होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। हमारा जो पैपिलरी लेयर है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है, इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर मिले रहते हैं, जो कि एक दूसरे को मैस किए रहते हैं, एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, राइट।
लेयर की बात करें तो ये फैगोसिटिक होता है, मतलब फैगोसिटिक मतलब किसी भी चीज़ों को इंगल्फ करके खा जाना। तो हमारा जो एक्सटर्नल असाइलेंट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, इंगल्फ करके खा जाता है। मतलब ये हमारा एक तरीके से फैगोसिटिक नेचर्स में ये हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट। टिकुलर लेयर की बात करें तो ये पैपिलरी लेयर के नीचे पाते हैं, ठीक, पैपिलरी लेयर के नीचे पाते हैं रेटिकुलर लेयर, मतलब कि ये प्रेजेंट अंडर द पैपिलरी लेयर, ठीक। ये क्या होता है, ज़्यादा थिकर होता है एज कम्पेयर टू पैपिलरी, थिकर देन पैपिलरी लेयर। दिस लेयर इज वेल वेस्कुलराइज, रेटिकुलर लेयर जो हमारा होता है वो वेल वेस्कुलराइज होता है। आप देखिए जितने भी अंदर अंदर आप लेयर में बढ़ते जाएंगे ना, उनको वेल वेस्कुलराइज होना जरूरी है, क्योंकि वो अगर अच्छे रहेंगे, वो नरिश रहेंगे, तभी तो आगे की जो हमारी लेयर्स है वो नरिश रहेंगी। तो रेटिकुलर और पैपिलरी लेयर जो होते हैं वो वेल वेस्कुलराइज होते हैं, मतलब वेसल्स उसमें इतने अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, राइट। तो रेटिकुलर लेयर जो होता है वो वेस्कुलराइज तो होता है लेकिन बहुत अच्छे से एज कम्पेयर टू पैपिलरी। तो डर्मिस की हमने बात की, तो डर्मिस क्या है, सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस। इसमें जो होता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे डर्मिस लेयर को नरिश करते हैं, ब्लड सप्लाई देते हैं। डर्मिस लेयर में ही हमारा स्वेट ग्लैंड हुआ, हेयर फॉलिकल्स हुआ, और भी सारी चीज़ें जो पाई जाती हैं, राइट। डर्मिस लेयर जो है हमारा कोलेजन फाइबर से बना हुआ है। इसी के अंदर हमारे आते हैं दो लेयर जो कि रेटिकुलर लेयर होता है और पैपिलरी लेयर होता है। पैपिलरी लेयर पहले पाया जाता है, फिर उसके बाद आता है रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी कौन से चीज़ों से बना है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है जो कि फैगोसिटिक इन नेचर होता है, मतलब हमारे जर्म्स हुए हैं, जो भी चीज़ें एक्सटर्नल असाइलेंट हुए उसे फैगोसिटिक नेचर के थ्रू ख़त्म करता है। रेटिकुलर लेयर क्या है, उस पैपिलरी के नीचे पाया जाता है, ये मोर थिकर होता है एज कम्पेयर टू पैपिलरी और मोर वेस्कुलराइज्ड भी होता है, राइट। थर्ड एंड लास्ट लेयर की बात करें, लास्ट हमारा लेयर क्या है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस ऑफ स्किन क्या है, हाइपोडर्मिस आर प्रेजेंट बिलो द डर्मिस। डर्मिस किसके नीचे था, एपिडर्मिस के, और हाइपोडर्मिस किसके नीचे है, बिलो द डर्मिस, मतलब डर्मिस लेयर के नीचे पाया जाता है हमारा हाइपोडर्मिस, जो कि क्या करता है, हमारे बोन या मसल्स को कनेक्ट करता है। मतलब जो हाइपोडर्मिस का जो लेयर है स्किन का, वो हमारे किससे कनेक्टेड है, बोन या मसल से कनेक्टेड है नीचे, राइट। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है क्या, फैट और लिपिड्स को। तो हाइपोडर्मिस के फंक्शंस क्या होते हैं कि ये स्टोर करता है हमारे फैट और लिपिड को। तो हाइपोडर्मिस क्या है, बिलो द डर्मिस, ये क्या करता है, बोन और मसल से कनेक्ट है, लास्ट क्योंकि लेयर है स्किन का, और ये स्टोर करता है फैट और लिपिड को। लास्ट हम लोग बात करें अगर फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, देखिए स्किन क्या है वो पता चल गया, स्किन की स्ट्रक्चर कैसी एनाटॉमी है वो पता चल गई हमें, कौन कौन से लेयर कौन कौन से सेल पाए जाते हैं वो पता चल गया। अब फंक्शन ऑफ स्किन क्या है, स्किन का कार्य क्या है, तो सबसे पहला स्किन हमारा किस में हेल्प करता है, तो सबसे पहले है प्रोटेक्शन, सबसे पहले है हमारा प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी को जो भी बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स है, जो भी असाइलेंट्स है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है सेंसेशन, सेंसेशन में हेल्प करता है, मतलब किसी चीज़ का या कोई स्टिमुलस हम लोग को मिला, हीट हुआ या कोल्ड हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, तो वो सेंसेशन में भी हेल्प करता है, राइट। थर्ड क्या वर्क करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। मैंने बताया था जब बॉडी टेम्परेचर अंदर हाई हो जाता है तो ये क्या करता है, वाटर को एज ए स्वेट में इवेपोरेट करने लगता है या सिक्रीट करने लगता है, तो तभी हमें पसीना होता है, गर्मियों में हमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ, तो सिंथेसिस,
स्किन क्या करता है, विटामिन डी की सिंथेसिस करता है। विटामिन डी की सिंथेसिस करता है किससे, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, हमारा सनलाइट, राइट, हमारा सनलाइट। उससे वो क्या करता है, विटामिन डी को सिंथेसिस करता है। फिफ्थ अगर हम बात करें तो सिक्रीशन, फिफ्थ बात करें तो सिक्रीशन, ये क्या करता है, कुछ चीज़ों को सिक्रीट करता है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लाइक ईयर वैक्स, ईयर वैक्स सिक्रीट करता है, या ऑयल या स्वेट, कुछ चीज़ों को सिक्रीट करता है जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन, स्किन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब क्या करता है, हमारी जो सरफेस है, स्किन की जो सरफेसेस है वहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं, एनवायरमेंट में जो O2 पाया जाता है उसको, विटामिन्स को, वाटर को, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है और नरिश करता है। लास्ट बात करें हम स्किन का तो ये क्या है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में क्या है कि स्किन जो है हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है, जो भी हमारी अंदर टॉक्सिक हो गई है, मतलब हानिकारक हो गई, तो वो चीज़ों को क्या करता है, सिक्रीट कर देता है। इसीलिए हमारे सारे स्किन पे पोर्स हैं, छोटे 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 छिद्र हैं, पोर्स हैं, जिससे हमारा जो टॉक्सिक सबस्टांस है वो क्या होता है, बाहर की साइड निकल जाता है, सिक्रीट हो जाता है। तो ये क्या काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है। तो फंक्शन ऑफ स्किन हो गया, फंक्शन में क्या, पहला प्रोटेक्शन, नेक्स्ट सेंसेशन, थर्ड टेम्परेचर रेगुलेशन, फोर्थ सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, फिफ्थ सिक्रीशन, सिक्स एब्जॉर्प्शन एंड सेवन्थ एक्सक्रीशन। ये सारी फंक्शंस हैं स्किन के, ठीक है। अब लास्ट में मैं, तो ये रहे नोट्स के फोटो, आप इसको या तो अपना खुद का नोट्स बनाइए या ये नोट्स भी सफिशियंट है आपके एग्जाम टाइम में पढ़ने के लिए। पॉज करिए इसको, देखते रहिए कि ये स्किन में लिखा क्या है, राइट। मैंने शॉर्ट में बता दिया, वही चीज़ें इलेबोरेट करके एज ए आंसर में मैंने लिखा है, तो ऐसे ही आपको भी आंसर में लिखना है। तो स्किन हमने पढ़ लिया, स्किन क्या है, क्विक रिवीजन करते हैं। स्किन क्या है, हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जो कि हमारा 15% टोटल बॉडी वेट को कवर किया रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमें फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल असाइलेंस में ये बचाता है। सरफेस एरिया क्या है, 2 मीटर स्क्वायर, थिकनेस क्या है, 1 to 2 mm। कितने तरीके के स्किन होते हैं, दो, थिक या थिन। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की अगर बात करें तो स्किन कैसे बन रहा है, उसकी एनाटॉमी क्या है, तो स्किन की मोस्टली 3 लेयर हैं, 3 लेयर से मिलकर स्किन बना है। पहला क्या है, एपिडर्मिस, सेकेंड है डर्मिस एंड थर्ड है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस मैंने बताया कि आउटर मोस्ट लेयर है स्किन का, जो कि एनवायरमेंट से पैथोजेंस जो आ रहे हैं उनको उनसे लड़ के बचाता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे बॉडी में क्या, वाटर को रेगुलेट करता है, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। इसमें ढेर सारे मल्टीपल ऑफ फ्लैटेंड सेल्स से बन के ये बने हुए हैं, जो कि इसके जो परपेंडिकुलर है कॉलमुलर सेल्स पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें तो इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं, ये जो भी अपनी नरिशमेंट पाता है वो एनवायरमेंट के O2 को ही डिफ्यूज करके पाता है। एपिडर्मिस में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि 4 तरीके के होते हैं, लैंगरहैन, केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट और मार्कल सेल। लैंगरहैन क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स है। केराटिनोसाइट क्या है, केराटीन नाम का एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जो कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मेलानोसाइट क्या है, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट है वो सिक्रीट करता है, जो कि स्किन के कलर में हेल्प करता है, जो कि हमें यूवी लाइट से भी बचाता है। मार्कल सेल क्या है, फंक्शन ऑफ सेंसेशन ऑफ टच। एपिडर्मिस के कुछ लेयर हैं जो कि 5 तरीके के होते हैं, स्ट्रैटम कॉर्नियम, लुसीडियम, ग्रैनुलोसम, स्ट्रैटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रैटम बेसल्स। इसके क्या क्या काम है, कौन कौन से सेल से, कितने कितने लेयर ऑफ सेल से ये बनाए, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट कौन सा लेयर आता है एपिडर्मिस के बाद, तो डर्मिस आता है। डर्मिस क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ द स्किन, या डर्मिस प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, जो कि ढेर सारे ब्लड और लिम्फ वेसल्स से पाए जाते हैं, जिसमें नर्व्स भी होते हैं और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हेयर फॉलिकुलर, स्वेट ग्लैंड्स,
ठीक है। ये मोस्टली इसमें एक कोलेजन इलास्टिक नाम का एक फाइबर पाया जाता है। इसके दो तरीके के लेयर हैं इसमें, देखिए एपिडर्मिस में 5 थे, डर्मिस में 2 हैं। कौन कौन से? तो रेटिकुलर लेयर और पैपिलरी लेयर। तो रेटिकुलर लेयर क्या होता है और पैपिलरी लेयर क्या होता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट और लास्ट लेयर कौन सा होता है? तो हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? प्रेजेंट बिलो द डर्मिस या लास्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो कि क्या है, बोन और मसल से अटैच होता है। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर फैट या लिपिड। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ स्किन था। फंक्शन क्या था? पहला प्रोटेक्शन, सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, सिंथेसिस, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। इसके अंदर आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं अगर आपको केवल हेडिंग्स वगैरह याद रहे तो। तो ये था फंक्शन। इसके बाद और भी हैं स्किन के, कुछ अपेंडिजेस हैं, अपेंडिजेस के भी बड़े बड़े टॉपिक हैं, वो भी एक शॉर्ट नोट में पूछ देता है, राइट। हमें अगर स्किन पूछे तो फंक्शन ऑफ स्किन तक लिखना है। लास्ट में आपको स्किन का डायग्राम दिखा दूं। तो ये रहा डायग्राम स्किन का। स्किन का डायग्राम आपको ऐसा ही सिंपल एज इट बनाना है। देखिए ये पहली लेयर जो है ये एपिडर्मिस है, सेकंड जो है वो डर्मिस है, एंड थर्ड वाली जो है वो हाइपोडर्मिस है। ये बनाना है आपको और स्किन के बारे में उतना लिखना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आप सबको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।